हम आपको बता रहे हैं कच्चे चावल का पापड़। इसे चावल को हमने भिगो रखा है, एक दिन दो दिन तक भिगोया जाता है इसे। अब इस तरह भिगो दिया, उसके बाद हम इसे मसल लेंगे बारीक बिल्कुल इस तरह। इसे हम पहले छान के इसे रख देते हैं बांस वाले में ताकि इसका पानी भर जाए, पानी नीचे उड़ जाता है बिल्कुल, तो इस तरह ये हो जाता है। इस तरह हम इसे बारीक बना लेंगे अंदाज से, इतना हो गया। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अब हमने गैस पर गर्म पानी चढ़ा रखी, अब हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे पन्नी में तेल लगा के और फिर धूप में फैला देंगे इसे। इसे सूखने में दो दिन लग जाएगा ताकि वो नीचे चिपके ना, इस तरह पकाते रहेंगे। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अच्छा चल, पहले हम इस पन्नी को पापड़ फैलाने से पहले इस पन्नी में तेल लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर पापड़ फैलाएंगे इस तरह तेल लगा के। इस तरह हम जिस पन्नी में तेल लगाएं ताकि ये पापड़ चिपक न जाए, अब उस पर हम अच्छी तरह से इसे फैला देंगे गोल करके और सूखने के लिए धूप में रख देंगे। और ये कम से कम इसमें सूखने में दो दिन लग जाएगा टाइम। इसी तरह सारे पापड़ों को हम फैला देंगे इस तरह गोल करके। अब हम इसे तलेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल रखी, अब पूरी गर्म हो जाएगी तब हम तलेंगे। ठीक है, अब हम इसे तलेंगे। हम सारे पापड़ों को तल लेंगे इस तरह। तैयार हो गया। इसमें थोड़ी सी स्वाद के लिए काली मिर्च और नमक इस पर छिड़क देंगे। अभी हो गया करारे करारे हमारे पापड़ तैयार, खाने लायक।